सुल्तानपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में 61 करोड़ 40 लाख का बजट पास। महामांगमही के बीच 16 सदस्यों ने बजट का किया समर्थन। 3 मिनट में बजट पास कर चेयरमैन की सीट छोड़ने पर भड़ के कई सभासद। नगर पालिका परिषद की फर्श पर बैठकर लगाए चेयरमैन विरोधी नारे। सीओ सिटी के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मी मुस्तैद। नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल ने की बजट पास होने की पुष्टि। सुल्तानपुर मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालु वाराणसी से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं की बस से शौच के लिए उतरे 58 साल बुजुर्ग गोकुल गुप्ता की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। मामला कोतवाली चांदा क्षेत्र के रामलाल का पुरवा रेलवे ट्रैक का है। सुल्तानपुर कुड़वार थाना क्षेत्र के अगई गांव में गायब हुई मछली मारने का महाजाल का मामला। पीड़िता पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसएसपी ने लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता बोली कुड़वार थाने में से पुलिस ने लौटाया, नहीं दर्ज की गई FIR। SP शिवराज ने दिया न्याय देने का भरोसा। शेखर श्रीवास्तव को UPTU में मिली 386वीं रैंक। हर्ष सुल्तानपुर नगर के गोलाघाट सुल्तानपुर के निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव के पुत्र शेखर श्रीवास्तव को UPTU की परीक्षा में 386 रैंक तथा EWUS कोटा में 84 रैंक मिले हैं। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुल्तानपुर द्वारा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद सुल्तानपुर में अपने हाथों को अच्छी तरह से धुलकर हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारंभ करते हुए स्मृत अधिकारी कर्मचारी के इस अवसर पर भागीदारी ली। महोदय द्वारा स्मृत अधिकारी कर्मचारीगण से संबोधित करते हुए कहा, हाथ साफ तो टेंशन नहीं, कोरोना से जीत का मंत्र यही। महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कोरोना के जंग से अभी जारी है, COVID-19 को हराने के लिए हाथों की स्वच्छता अति आवश्यक है। महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि स्वच्छता और स्वानुशासन से ही हम लोग कोरोना महामारी के संक्रमण से स्वतंत्रता पा सकेंगे।